हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका वेलकम है। प्रीवियस लेक्चर पे अपन डिस्कस कर रहे थे कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्शन, कार्बोनाइल कंपाउंड्स एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन की डिस्कस कर रहे थे। उसमें अपन ने डिस्कस कर ली थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नामक संयोगात्मक अभिक्रिया, नामक संयोगात्मक विलोपन। फिर तीसरे टाइप की जो रिएक्शन थी उसमें था आपके पास ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हैलोजिनेशन। तो अब अपन डिस्कस करेंगे जिसका बेटा पिछले लेक्चर में अपन ने ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण तक अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब आज अपन डिस्कस करेंगे अपचयन रिडक्शन। किसको डिस्कस करेंगे बेटा? अपचयन रिडक्शन। तो देखिए बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड का जो रिडक्शन होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड का जो रिडक्शन होता है वो कई प्रकार से होता है और उसमें आपको देखने को मिलेगा अलग अलग प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए बेटा, पहला अपन पढ़ेंगे, अपन ने पढ़ा था एल्कोहल के निर्माण की विधियों में। पहला एल्कोहल में अपचयन, कार्बोनाइल कंपाउंड का एल्कोहल में अपचयन। देखिए बेटा, आपने पढ़ा है एल्कोहल निर्माण की विधियों में पढ़ा था, वही रिएक्शन है कि जब आप कार्बोनाइल कंपाउंड RCHO एल्डिहाइड की रिएक्शन, एल्डिहाइड की रिएक्शन जब सोडियम क्या निकिल पैलेटिनम पैलेडियम धातु के साथ करवाते हैं, निकिल पैलेडियम सक्रिय धातु होती है उसके साथ करवाते हैं, तो एल्डिहाइड एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहलों में क्या हो जाते हैं बेटा? कन्वर्ट हो जाते हैं NIPT और PT। कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। तो आपको पता है कि ये बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन जुड़ेगी, तो दो हाइड्रोजन जब जुड़ी तो क्या बना R, क्या हुआ बेटा? CH2OH। आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया बेटा? आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल का, ये आपने पढ़ रखा है। अब ऐसे ही अगर अपन कीटोन की रिएक्शन देखिए बेटा, RC डबल बॉन्ड OR कीटोन की रिएक्शन करवा दी आपने, प्लस CH निकिल पैलेडियम और PT, इज दैट क्लियर? तो क्या होता है बेटा, ये HOH आपके पास क्या बनेगा? RCHR और नीचे क्या बन गया बेटा? OH। क्या बन गया आपके पास? 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हुआ बेटा, 2 डिग्री एल्कोहल। तो आप देख रहे हैं कि जब कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया आप निकिल पैलेटिनम पैलेडियम धातु से करवाते हैं तो एल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहलों में और कीटोन 2 डिग्री एल्कोहलों में क्या हो जाते हैं बेटा? कन्वर्ट हो जाते हैं। अपन ने ये भी पढ़ा था बेटा, देखो RCHO की जब अभिक्रिया सोडियम एथेनॉल के साथ करवाते हैं आप, सोडियम धातु और एथेनॉल लेते हैं, तो इसे क्या कहते हैं आप? इसे कहते हैं बेटा बुओ ब्लांक अपचयन। बताया था मैंने आपको, इसे क्या कहेंगे आप? बुओ ब्लांक अपचयन। RCH2OH ये कहला रहा है क्या बेटा? बुओ ब्लांक अपचयन, बुओ ब्लांक अपचयन। इसकी स्पेशल ये केस में इसे क्या कहेंगे आप बेटा? बुओ ब्लांक अपचयन कहेंगे। देखिए बेटा नेक्स्ट, फिर जब अब चाहे कभी गर्भक आप लेते हैं क्या? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, ये क्या होते हैं बेटा? अब चाहे कभी गर्भक होते हैं, अब चाहे अभी गर्भक ये लेते हैं तो आपके पास वही प्राप्त एल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक जो कीटोन होते हैं उससे क्या होता है बेटा? सेकेंडरी एल्कोहल का क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। देखिए लेकिन इसमें क्या होता है, यदि आप असंतृप्त एल्डिहाइड भी लेंगे, असंतृप्त एल्डिहाइड भी लेंगे तो वो भी क्या होगा बेटा? असंतृप्त प्राथमिक एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, उसके डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होता इनका। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2CHO क्लियर है ना? ये कह दिया, इसका आप चेंज करवा रहा हूं मैं किससे? LiAL H4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से या फिर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 ले लेंगे तो क्या होगा ये H
इज दैट क्लियर? CH2OH आपके पास, मतलब ये जो डबल बॉन्ड था ये ऐसा कैसा रहेगा, इसके कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब देखो जैसे इसके अलावा दूसरा एग्जांपल तो कीटोन का ले लिया अपन, अनसैचुरेटेड ये है अनसैचुरेटेड कीटोन्स, इसकी भी रिएक्शन आपने NADH4 से करवाई थी, सोडियम बोरोहाइड्राइड ड्राइव से करवाई थी, तो क्या होगा बेटा ये यहां से टूटेगा, H H हाइड्रोजन जुड़ेंगे और आपके पास क्या बन गया, एच बोन का निर्माण हो गया, लेकिन जो डबल बोन्ड था वो वैसा का वैसा ही रहा, मतलब जो असंतृप्त बोन्ड था या डबल बोन्ड था वो चेंज नहीं होता। तो ये अब चेंज था कार्बोनिल कंपाउंडों का, किसमें बेटा एल्कोहलों में। दूसरा देखो बेटा फेमस रिएक्शन है मीरवाइन कोंडोर वर्ली अपचेन, देखो बेटा मीरवाइन साइंटिस्ट का नाम है मीरवाइन कोंडोर, मीरवाइन कोंडोर, मीरवाइन कोंडोर वर्ली अपचेन, मीरवाइन कोंडोर वर्ली अपचेन, ये आपको बेटा एनएडी जैसे कैसे याद रखना है, नाम है साइंटिस्ट का, रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग है मीरवाइन कोंडोर वर्ली अपचेन। अब देखो बेटा मीरवाइन कोंडोर वर्ली अपचेन में क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार का कीटोनों का अपचेन है, ये एक विशेष प्रकार का कीटोनों का अपचेन है जिसमें क्या होता है आर सी डबल बॉन्ड हो, कीटोन की जो रिएक्शन होती है वो कीटोन की रिएक्शन आर आइसोप्रोपिल अल्कोहल तथा एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं बेटा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ CH3 का होल, इसका होल थ्राइस एल्यूमिनियम साथ में एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड, ये क्या हो गया बेटा एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड और इसके साथ आप क्या लेंगे आइसोप्रोपिल अल्कोहल CH3OH, आइसोप्रोपिल अल्कोहल लेते हैं, इस रिएक्शन को जब कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं मीरवाइन कोंडोर वर्ली अपचेन में तो क्या होता है बेटा रिएक्शन होती है किससे आइसोप्रोपिल अल्कोहल और ये आपके पास एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड लेते हैं, क्लियर है। तो ये क्या होता है जो आपका कीटोन है वो अपचेन होकर क्या बना देता है बेटा सेकेंडरी अल्कोहल, किसमें अपचेन हो जाता है बेटा सेकेंडरी अल्कोहल में 2 डिग्री एल्कोहल में, आप देख रहे होंगे तो देखिए बेटा आपको देखने पे महसूस हो रहा है कि कीटोन द्वितीयक एल्कोहल में जा रहे हैं, यहां पे कीटोन द्वितीयक एल्कोहल में जा रहे थे लेकिन इसके मीरवाइन कोंडोर वर्ली जो अपचेन है एक स्पेशल प्रकार का एक साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन हो गई, जिसके अकॉर्डिंग जब कीटोनों की रिएक्शन आप एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ और आइसोप्रोपिल एल्कोहल की उपस्थिति में करवाते हैं तो कीटोन किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा द्वितीयक एल्कोहलों में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा एल्कोहलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट अपने पास है तीसरा, इसका ये अपने पास दूसरा था, पहला एल्कोहलों में मीरवाइन कोंडोर पर ये अपचेन, तीसरा देखो बेटा हाइड्रोकार्बन में अपचेन, हाइड्रोकार्बन में अपचेन, ये आपने मेरे क्लास में पढ़ा होगा एल्केन निर्माण की विधियों में हाइड्रोकार्बन में अपचेन, हाइड्रोकार्बन में अपचेन देखो मतलब एल्केन कीटोनों का एल्कोहलों में अपचेन, मीरवाइन कोंडोर पर भी अपचेन, हाइड्रोकार्बन में अपचेन, तो हाइड्रोकार्बन में अपचेन बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए बेटा अपन ने पढ़ लिया एल्कोहलों में अपचेन, फिर अपन ने मीरवाइन कोंडोर पर भी अपचेन, थर्ड है हाइड्रोकार्बन में अपचेन, देखो बेटा इसमें आपके पास है पहला क्लीमेंसन अपचेन, कौन सा है बेटा क्लीमेंसन अपचेन, तो क्लीमेंसन अपचेन की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए बेटा जब आप एल्डिहाइड और कीटोनों की अभिक्रिया एल्डिहाइड और कीटोनों की अभिक्रिया सांद्र HCl और जिंक अम्लम के साथ करवाते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन एल्केनों में परिवर्तित हो जाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है बेटा एल्केनों में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए जब आपने आर सी डबल बॉन्ड हो एच कोई एल्डिहाइड ले लिया आर सी एच इसकी रिएक्शन करवा दी देखो बेटा 2H2 हाइड्रोजन लेते हैं इसमें 4 हाइड्रोजन ली जाती है साथ में यहां जिंक एच डी जेड एन एच और सांद्र एच सी
खांत रहस्यन तो क्या होता है बेटा, इसके साथ ये दो हाइड्रोजन निकल गए बाहर, H2O के मुंह में बाहर निकल गए, बाकी जो दो हाइड्रोजन है वो इसके साथ क्या हो जाते हैं बेटा, अटैच हो जाते हैं। इसके साथ क्या हो गया अटैच, आपके पास क्या हुआ R CH3 प्लस ये क्या निकल गया बेटा आपके पास H2O बाहर निकल गया। मैं आपको बताऊं तो देखो बेटा CH3 C double bond OH एस्टेडियन लिया मैंने, क्लियर है, इसकी रिएक्शन करवा दी 2H2 हाइड्रोजन लेके हम चेन के लिए, साथ में जिंक अमोनियम और साथ में HCl का भी लेते हैं। तो देखिए बेटा ये यहां से ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन साथ निकल गया H2O, बचा क्या है यहां दो हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ देंगे तो क्या हो गया CH3 किसका निर्माण हो गया बेटा आपके पास निर्माण हो गया प्लस H2O, एल्केन का निर्माण हो गया, एल्केनों का निर्माण हो गया। आई पास में आपके पास किसका निर्माण हो गया बेटा, एल्केन का निर्माण हो गया, जो आपने इसके लिए एल्केन भी दिया जिंक अम्लता को साथ रहने से अच्छी करवाई, इस अभिक्रिया को कहते हैं बेटा क्लीवेंशन ऑफ चेन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जैसे अगर इन दोनों की करवाए CH3CO CH3 एसीटोन ले लिया प्लस 2H2
एच आई द्वारा आपके यहाँ
आपके पास इस रिएक्शन में कीटोन के द्वारा भी एल्केनों की जो यील्ड होती है, एल्केनों की जो लब्धि होती है, जो अपने को एल्केन प्राप्त होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, खूब ज्यादा मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो ये था आपके पास इनका अपचयन, और अभी एक अपचयन और पढ़ेंगे, पिनाकोल अपचयन। देखिए बेटा नेक्स्ट पिनाकोल अपचयन, पिनाकोल जो अपचयन होता है ये विशेष प्रकार का अपचयन होता है। पिनाकोल जो अपचयन होता है विशेष प्रकार का अपचयन होता है जिसमें केवल कीटोन ही अपचयित होते हैं, कीटोन ही अपचयित होते हैं, और इनको मैग्नीशियम अम्लत्व के साथ रिएक्ट करवा के फिर क्या किया जाता है बेटा, अपघटित किया जाता है। देखिए एसीटोन के दो अणु CH3 CO + CCH3 CH3 CO, मैग्नीशियम के जब दो अणुओं को रिएक्ट करवाते हैं, सॉरी एसीटोन के दो अणुओं को आप रिएक्ट करवाते हैं, इससे मैग्नीशियम MgH3 मैग्नीशियम अम्लगम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है बेटा, आपके पास ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचते हैं, ये यहां पहुंचते हैं, इज दैट क्लियर? तो क्या होगा CH3 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 CH3, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन इन पे माइनस होता है, तो ये किसके साथ जुड़ गया बेटा, मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया। क्लियर, मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया। अब ये मैग्नीशियम के साथ जुड़ने के बाद फिर क्या होता है बेटा, जल अपघटित होता है H2O H+, ये अपघटित होगा तो यहां से H+ OH- H+ OH-, क्लियर, ऐसे टूटेगा तो आपके पास क्या हो गया CH3 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 CH3, यहां पर OH और यहां पर OH, और MgOH का होल ट्वाइस क्या हो गया बेटा, बाहर निकल गया। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बेटा पिनाकोल। इसे क्या कहते हैं बेटा, पिनाकोल। मैं कह देता हूं आपको जो पिनाकोल अपचयन, ये पिनाकोल बना, इसमें ये जो पिनाकोल अपचयन है ये केवल कीटोनों के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा बेटा, केवल कीटोनों के द्वारा, केवल कीटोनों के द्वारा द्वारा। तो कीटोनों के द्वारा आपके पास क्या बेटा, डाइवोल का निर्माण हो गया, इसे क्या कहते हैं आप, इसे पिनाकोल कहते हैं, ये पिनाकोल कहलाता है। अब अपने पास जो तीसरे प्रकार की अभिक्रिया थी, ऑक्सीकरण अपचयन, और उसमें तीसरे ही प्रकार था कौन सा बेटा, हेलोजनीकरण। तो वो पढ़ेंगे बड़ा हेलोजनीकरण। देखिए बेटा हेलोजनीकरण में जब एल्डिहाइड और कीटोनों की अभिक्रिया हेलोजन से करवाते हैं, तो क्या होता है, जितने भी इसके अल्फा हाइड्रोजन है उन सभी का क्या होता है बेटा, प्रतिस्थापन क्षार जो उपस्थिति में होती है तब अभिक्रिया। तो देखो होता है Cl2, ये क्या हो गया, पहले यहां से एक है तो ये Cl क्या हो गया बेटा, माइनस HCl क्या बना आपके पास, CH2 Cl CHO, ये बेटा। फिर देखिए और Cl से रिएक्शन करवाई तो क्या हो गया, अब की बार एक हाइड्रोजन फिर Cl क्या निकल गया, माइनस HCl माइनस HCl, तो क्या हो गया CH Cl Cl, और CHO नेक्स्ट रिएक्ट करवाया आपने इसकी, तो क्या हो गया, तो आपके पास CCl3CHO, क्लोरल बना दिया, क्लोरल बन गया, बन गया क्लोरल। अब इस क्लोरल की रिएक्शन आप क्षार से करवा देते हैं NaOH से, क्लियर बेटा, क्षार से करवा देते हैं NaOH से, तो आपके पास क्या बन जाता है, क्लोरोफॉर्म, हेलोफॉर्म रिएक्शन भी नहीं हुई है, क्लियर, क्लोरोफॉर्म बन गया। बाकी जो बचा हुआ अटैचमेंट है वो अटैचिस के साथ HC(OONa), क्लियर बेटा, ये इसके साथ बन गया, क्लोरोफॉर्म बन गया। देखो जब हेलोजन की अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में आप एल्डिहाइड और कीटोनों से करवाते हैं, तो सारे अल्फा हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन होके आपके पास हेलोफॉर्म का निर्माण होता है। अगर आपने लिया है क्लोरीन तो क्लोरोफॉर्म पर फिर लिया है ब्रोमीन तो क्या होता है बेटा, ब्रोमोफॉर्म, या हाइड्रोफॉर्म का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। अब एल्डिहाइड से होगी ऐसे कीटोन से होगी, बट देखो बेटा जब आप ये रिएक्शन
तब सारे हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन होता है, लेकिन जब आप CH CH2 और यहां पर ले लिया क्या आपने अम्ल, यहां पर आपने ले लिया अम्ल, जैसे CH3COOH एसिटिक अम्ल ले लिया, अम्ल की उपस्थिति ले ली, तो केवल मोनो हैलोजनीकरण होता है, मोनो हैलोजन प्रतिस्थापन होता है एक बार, यहां से ये Cl और ये हाइड्रोजन क्या निकल गया HCl बाहर निकल गया CH2ClCOH+HCl, मतलब मोनो हैलोजनों का ही प्रतिस्थापन होता है, एक ही हैलोजन का प्रतिस्थापन होता है अम्ल की उपस्थिति में, जबकि अगर आप क्षार की उपस्थिति में हैलोजन से रिएक्ट करवाते हैं तो सारे के सारे हाइड्रोजन जितने भी एल्डिहाइड और कीटोनों में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं उन सारे के सारे हाइड्रोजनों का क्या हो जाता है बेटा, प्रतिस्थापन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आपके पास ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, मतलब अगर अपन बात करें क्लोरोफॉर्म हैलोफॉर्म की निर्माण होता है। अब अगर हम बात करते हैं CH3 कीटोन ले लिया, ब्रोमीन Br2, यहां पर भी क्या ले लिया बेटा अम्ल ले लिया, तो अम्ल ले लिया तो क्या होगा, कोई सा एक हाइड्रोजन यहां पे निकल गया -HBr बाहर निकल गया और आपके पास क्या बना CH3CO CH2 Br, और क्या निकल गया था बाहर HBr बाहर निकल गया था, आई बात समझ में। तो जब हैलोजन की अभिक्रिया एल्डिहाइड और कीटोन से अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं तब क्या होता है बेटा, मोनो हैलोजन प्रतिस्थापन, मोनो हैलोजन मतलब एक ही हैलोजन एक अल्फा हैलोजन का प्रतिस्थापन करके मोनो हैलोजन एल्डिहाइड और कीटोनों का निर्माण करती है, इज दैट क्लियर, जबकि वहां होता है ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव का क्या होता है बेटा फॉर्मेशन होता है। तो ये थी अपने पास एल्डिहाइड और कीटोनों की तीसरे प्रकार की रिएक्शन, एल्डिहाइड और कीटोनों की तीसरे प्रकार की रिएक्शन जिसमें अपन ने ऑक्सीकरण पढ़ लिया प्रीवियस लेक्चर पे, आज अपन ने पढ़ा बेटा एल्डिहाइड क्या नाम हो अब चेन पढ़ा, और अब चेन के साथ अपन ये क्या पढ़ा बेटा हैलोजनीकरण, तो ये इसकी क्या हो गई बेटा तीसरे प्रकार की अभिक्रियाएं क्या हो गई समाप्त हो गई। अब अपन पढ़ेंगे कि केवल वे अभिक्रियाएं जो एल्डिहाइड दर्शाते हैं और केवल वे अभिक्रियाएं जो क्या होता है बेटा कीटोन्स दर्शाते हैं, क्लियर बेटा। तो ये थी आज की अपनी क्लास, नेक्स्ट लेक्चर पे अपन डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा अपना नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें अपन केनिजारो रिएक्शन एल्डोल क्रॉस केनिजारो टीसेनको रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनके एल्डिहाइड और कीटोन एल्डिहाइड में होने वाले जो अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली जो रिएक्शंस होती हैं, उनके अल्फा हाइड्रोजन की जो एसिडिक नेचर होती है उसका कंप्लीट अपन क्या करेंगे बेटा डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है अपना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इज दैट क्लियर। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करेंगे, और जितने भी आपके 12th एस्पिरेंट बच्चे हैं जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को अपने वीडियोस को क्या करें बेटा शेयर करें। थैंक यू बेटा।